किसी ने सही कहा है, शौक से निकालिए नुक्स हमारे किरदार में, आप नहीं होंगे तो हमें तरासेगा कौन। एक बार एक चित्रकार थे, वे अपने शिष्य के साथ पेंटिंग करते और उसे बाजार में बेचते थे। चित्रकार अपने शिष्य की हर पेंटिंग का अच्छे से अवलोकन करते, बाद में शिष्य को पेंटिंग में सुधार करने के तरीके भी बताते और अच्छा कार्य करने की सलाह भी देते थे। धीरे धीरे समय के साथ शिष्य चित्रकला में पारंगत हो गया और सुंदर से सुंदर पेंटिंग बनाने लगा। एक दिन ऐसा भी आया जब शिष्य द्वारा बनाई गई पेंटिंगें गुरु द्वारा बनाई गई पेंटिंगों से भी महंगी बिकने लगी। लेकिन फिर भी पहले की तरह गुरु ने अपने शिष्य को सलाह देना बंद नहीं किया। एक दिन जब गुरु अपने शिष्य की पेंटिंग देखकर उसे और सुधार की सलाह दे रहे थे तो शिष्य को गुस्सा आ गया। शिष्य ने अपने गुरुजी से कहा, आप क्या मुझे सलाह देते हैं, मैं तो आपसे अच्छी पेंटिंग बनाता हूं और मेरी पेंटिंग आपकी पेंटिंग से भी महंगी बिकती है। गुरु शांत रहे, उन्होंने प्यार से शिष्य को कहा, बेटा मैं भी तुम्हारी तरह अपने गुरु के मार्गदर्शन में पेंटिंग बनाया करता था और तुमने जो शब्द अभी मुझे कहे वैसे ही शब्द मैंने अपने गुरुजी से तब कहे थे जब मेरी पेंटिंग उनकी पेंटिंग से महंगी बिकी थी, पर उस दिन के बाद मेरी कला का विकास होना बंद हो गया क्योंकि उसके बाद मेरे गुरुजी ने मुझे सलाह देना बंद कर दिया था, पर मैं नहीं चाहता कि जो मेरे साथ हुआ वो तुम्हारे साथ भी हो। गुरुजी की बात सुनकर शिष्य को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने गुरुजी से क्षमा मांगी। ये छोटी सी कहानी हमें यह सिखाती है कि जब कोई हमें हमारे में सुधार करने की अच्छी सलाह दे तो हमें उस सलाह का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि सुधार ही वह मार्ग है जो हमें विकास की चोटी तक पहुंचाता है। जिस दिन हमने ये मार्ग बंद कर दिया तो समझ लेना कि हमारा विकास मार्ग भी बंद हो गया। इसलिए अपने में हमेशा सुधार की गुंजाइश रखिए। अच्छी सलाह और सलाह देने वालों दोनों का सम्मान कीजिए। और आवश्यक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना।